कि हमने गाड़ी बंद कर दी। ये दिखाओ कैमरा मैन, ये देखिए चाबी मेरे हाथ में है, आप अच्छे से देखिए गाड़ी ऊंचाई की ओर जा रही है। ये देख लीजिए, बस ये गाड़ी ऊंचाई की ओर जा रही है बिना किसी। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सबका धनपुरी वाले की एक नई वीडियो पर। अभी हम जा रहे हैं, जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं उल्टा पानी पे, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, जहां पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है ढलान की विपरीत दिशा में, और गाड़ी भी ढलान की विपरीत दिशा में ऊंचाई की ओर चढ़ती है, बंद गाड़ी बिना किसी पावर के। तो ऐसे ही काफी चमत्कारी जगह इसके बारे में सुन रखा है, चलिए चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जगह को। थोड़ा सा आप रोड को एंजॉय करिए, रोड ही बहुत शानदार है। ये देखिए एकदम सांप की तरह ही लहराती घाटियां, मजा आ जाता है यार, पूरा पहाड़ों वाली वाइब तो है, वाइब क्यों ना हो, हिल स्टेशन है, पूरा मसूरी वाली फीलिंग मिल जाती है सस्ते में। आइए देखते हैं कितना इसमें लीन करने का मौका मिलता है, मजा आता है, मौका क्या नहीं मिलता, इसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह है, रेत है, तो ज़्यादा लीन करूँगा तो स्पीड हो जाएगी। ये देखिए सस्ती SUV आ रही है सामने से, ये पूरा थार बना दिया स्प्रेसे को, अभी हल्का सा धक्का लग जाता मेरी गाड़ी से भाई साहब वो बगल में खेत में गिरती जाके, मारुति की गाड़ी है, माकड़ा मेरे से वो कर रहा था फूलबाजी। देखो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई जगह है, चारों तरफ ही पहाड़, उतर के हम आ ही रहे हैं, ये पहाड़ सामने देखो, उस तरफ दिखाइए कैमरामैन, उधर का व्यू दिखाइए थोड़ा जूम करके, जूम मत करिए, जूम की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ मतलब कई सारे पहाड़ों की श्रृंखला है यहाँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेयर बाय लेयर पूरे पहाड़, और बहुत सही मौसम हमने चुना, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, तो क्या रहता है ज़्यादा ठंडी हो जाती तो भाई साहब घूमने में हमारी गोटियाँ जमने लग जाती, तो अभी मतलब नहीं बनता है। ये देखिएगा अब यहाँ से नीचे से ऊपर आप हाइट को अभी इस वीडियो के माध्यम से भी देखते चलिए, आपको समझ में आएगा कि जिस जगह में हम जा रहे हैं वो ऊंचाई पर है, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार ऊपर से पानी को नीचे आना चाहिए, लेकिन यहाँ एकदम कुदरत का करिश्मा है, प्रकृति के नियमों को नज़रअंदाज करते हुए पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये देखिए पानी का सूर, ये देखिए हमने गाड़ी बंद कर दी, ये दिखाओ कैमरा मैन, ये देखिए चाबी मेरे हाथ में है, आप अच्छे से देखिए गाड़ी ऊंचाई की ओर जा रही है, ये देख लीजिए, बस ये गाड़ी ऊंचाई की ओर जा रही है बिना किसी, मीटर भी दिखा दो, डिजिटल मीटर है तो बंद है। हाँ ये चाबी मेरे हाथ में एक बार और कैमरा मैन दिखा दीजिए भाई साहब आप। हाँ ये देखिए, ये देखिए हमारी गाड़ी चलती जा रही है और ये ऊंचाई पर आ गई, यहाँ भी चढ़ जाएगी, ये देखिए चाबी मेरे हाथ पे है, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूं, चाबी मेरे हाथ पर है, कुत्ते के ऊपर भी चढ़ जा रही है बोलेंगे। नीचे नहीं जा पाएगी, लेकिन नीचे जाने में यहाँ फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा कैमरा दिल दिख नहीं रहा, ये देखिए आपके सामने चाबी लगा रहा हूँ, अब मीटर में दिखाओ, ये एक बार फिर बंद करके चालू करता हूँ, ये बंद हो गया, ये चालू होने पे ऐसा कंसोल है, कोई प्रैंक नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, गाड़ी सच में बंद गाड़ी ऊपर चढ़ के आई है। तो आइए शेरू महोदय, उल्टा पानी के कुकुर हैं आप, बिस्किट का जुगाड़ लगा रहे हो क्या दोस्त? भाई साहब इनके लिए बिस्किट अगर मिल जाए तो। तो अभी आपने देखा कैसे बंद गाड़ी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ के आई है, अब आप देखने जा रहे हैं एक और ऐसा अनोखा चमत्कार, इस बैक कैमरा से दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इधर आओ भाई साहब, आप इधर आओ, हाँ अभी पहले आप इधर आओ, नीचे मिल जाएगा, सुनो
आप यहाँ से हमको जाते हुए दिखाना, पब्लिक को क्लियर दिखना चाहिए कि हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे, है ना। तो आप कैमरा संभालो और दिखाओ, और साथ के साथ आप बताते भी जाना कि मैं नीचे जा रहा हूँ, और पानी की दिशा भी आप दिखाना। ये देखिए भाई साहब, हमारे नीचे जा रहे हैं ऊपर से, और वही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है। हम लोग नीचे उतर रहे हैं ऊपर से, देखिए ये देखिए, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बगल की ज़मीन नापिए और उसको देखिए। ये देखिए पानी का डायरेक्शन चेक कीजिए गाइस, ये देखिए, ये अब देखिए मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, अभी नीचे ही जा रहा हूँ। तो कुदरत के नियम के अनुसार पानी को नीचे ही जाना चाहिए, जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे पानी भी नीचे जाना चाहिए, लेकिन उसका जस्ट अपोजिट है। पानी नीचे से ऊपर, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, हाइट से नीचे नहीं जा रहा, नीचे से हाइट पर जा रहा है। और नीचे चलते हैं, फिर वहाँ से इसको हम लेके आते हैं लाइफ में। अभी और वो देखिए, आपको कैमरे के माध्यम से भी समझ में आ रहा होगा कि अगला चीज ढाल में है, और ये हम कहाँ से आ गए हैं, ये देखिए आपको वीडियो से ही समझ में आ रहा होगा, ये हाइट पे है वो जगह, ठीक है। अब ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे, एज आई टोल्ड यू, नवे जूते ख़राब नहीं करने मेरे को। तो ये हम कुछ आइटम डालते हैं इसको पानी में, देखते हैं ऊपर जाता है कि नीचे। क्या है सच है कि नीचे से ऊपर पानी जाता है, सिर्फ मिथ? चलिए भाई साहब, और ये देखिए चमत्कार, कुदरत का ऐसा करिश्मा जो खुद कुदरत के नियमों को दांव पर लगा रहा है। रफ्तार चेक करो उसकी यार, कितना तेज जा रहा है यार, ये फंस गया, इसको निकाल दीजिए इसका। आज पानी का प्रेशर कुछ ज़्यादा ही तेज है, ये देखिए हाइट पर। भाई साहब आप जाइए आगे आगे, वो कहाँ गया, वो उसके बगल ही बगल में चलो। ये देखिए ये जो घास का एक टुकड़ा मैंने, आप आगे आगे चलिए, आप तेज तेज चलिए, आप चलिए जाइए तेज तेज जाइए आप। अब ये देखिए हमारे भाई साहब जा रहे हैं हाइट पे, ये चेक करो आप, ये हाइट पे जा रहे हैं भाई साहब। और ये हमारे घास का जो टुकड़ा हमने डाला था क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट के लिए, वो ये चला जा रहा है। बता देना चाहूंगा हम लोग नीचे से आ रहे हैं, ढाल से आ रहे हैं और ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये आप देखते चलिए इसको, ये नहीं दुख रहा, मतलब ग्रेविटी के नियमों को ना सिरे से नकार रही है यहाँ की ये पानी की धारा। और सड़क पर जो हम अभी गए थे गाड़ी बंद करके, जो मैंने ऊपर तक लाई वो भी आपने देखा होगा, ट्राई करते हैं दोबारा से उसको सूट करने के लिए। ऐसी बहुत सारी अनसुलझी बात, तो अनसुलझे रहस्यों से भरा हुआ है ये छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मेन पार्ट। इस अनुभव को नजदीक से देखने के लिए, उसे महसूस करने के लिए आपको आना पड़ेगा मेन पार्ट, जो कि स्थित अंबिकापुर से मात्र 25 से 30 किलोमीटर दूर एक प्रॉपर हिल स्टेशन है। ये देखिए ये हम हाइट पे हैं, इसका एक प्रूफ मैं आपको और दिखा देता हूं, ये देखिए हाइट, ये हाइट, ये इधर देखिए ढलान, नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, पानी की लहरें आपको साफ साफ
दिख रही होंगी। ये हाइट पे हमारे भाई साहब खड़े हैं, हम अभी यहां से आए थे, एक बार ऊपर जाके बताएंगे आप। ये देखिए पानी की धारा घूम के ऊपर ही जा रही है, ये देखिए। आपको मालूम हो गया होगा कि ये कोई कैमरा ट्रिक नहीं है, वास्तव में पानी नीचे से ऊपर ऊंचाई की ओर जा रहा है। आप नीचे भी आ जाइए, आप आ जाइए। ये कागज के टुकड़े, नाव वगैरह लोगों ने बना बना के डाले हैं। ये पानी स्टिल यहां से ऊपर जाता रहता है, आगे जाके साइड डाउन भी होता होगा, लेकिन नीचे से ऊपर क्या खूबसूरती से आया। बड़ा ही अनोखा और खूबसूरत अनुभव है यहाँ आने का। और यहाँ अगर आप भी इसे चमत्कार बोलें, साइंस बोलें, जो बोल रहा हूँ बोलें, लेकिन मेरे कमेंट में बोलें, ठीक है? तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और कभी भी अगर आपके मन में मेन पार्ट को लेके, किसी भी वीडियो को लेके, किसी भी चीज़ के लिए कोई जानकारी चाहिए, कोई डाउट हो, कुछ बताना हो, तो कमेंट सेक्शन आपका ही है। बिल्कुल सब कमेंट करने में संकोच ना करें, जो आपकी इच्छा करे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो बने रहें ऐसे वीडियो को, प्यार अपना देते रहें। मेन पार्ट के भी और बहुत सारे वीडियो आने बाकी हैं। ये देखिए वहाँ पे एक कपल है, वो देखिए कितना नीचे खड़े हैं, वहाँ से ऊपर आ रहे हैं, उनको ऊपर आते हुए भी आप देखेंगे अभी। ये चेक करिए पानी की धारा, ये चेक करिए भाई साहब। अगल बगल में लगी हुई दुकानें हैं सब्जी की, स्नैक्स वगैरह की, और कुछ मिले ना मिले ये आपको जरूर मिल जाएगा।